तो आइए बेटा हम लोग 10th के नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट में हमें स्टार्ट करना है मिरर फार्मूला के बारे में। तो आइए देखते हैं मिरर फार्मूला, ठीक है। तो देखिए मिरर फार्मूला, तो देखो अगर हम लोग मिरर फार्मूला की बात करें तो व्हाट इज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज नथिंग बट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस, जैसा कि लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था हमने। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और f क्या है, फोकल लेंथ। v इज इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। साइन कन्वेंशन में याद है हमने कहा था साइन कन्वेंशन में कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए u क्या होता है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए भी u क्या होता है, नेगेटिव। कॉनकेव के लिए भी u नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। इसके लिए भी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि इमेज हमेशा राइट हैंड साइड में बनती है। इसका फोकल लेंथ राइट हैंड साइड में इसलिए पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए ये क्या चीज, नेगेटिव। तो ये हम लोगों ने देखा था साइन कन्वेंशन, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं इसका थोड़ा सा डेरिवेशन तुमको बता देता हूँ कि आखिर ये मिरर फार्मूला आया कैसे। डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये देखिए, लेट अस सपोज ये एक क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर है, कोई भी मिरर ले लें, एक रे डायग्राम हमें बनाना है बस ऑब्जेक्ट और इमेज को लेकर। ये रहा पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने, कहाँ रखा, ये यहाँ रखा, ठीक है। ए बी बियॉन्ड सी रख दिया, कहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कहाँ से ऊपर पास होगी, फोकस से। और दूसरी क्या चीज, फोकस से होकर गई, क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कुछ इस तरीके, ठीक है। जहां पास ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वहां हम लोग ड्रॉ कर देंगे, दिस इज ए डैश बी डैश, क्या चीज, इमेज। इमेज से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, वी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मिरर तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू। और फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था फोकल लेंथ होता है, कोई दिक्कत। और लेट अस सपोज हम लोग इस पॉइंट को एन मान ले, क्या मान ले, एन, ठीक। और हमने कहा लेट अस सपोज ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली है एन, और ये पी पॉइंट एक सिंगल पॉइंट है। तुम्हें देखो अब यहां पास तुम्हें सिमिलर ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपका ए डैश बी डैश एफ है और दूसरा ट्राइंगल क्या है, एफ पी, और नीचे भी एक नाम दे देते हैं हम लोग, दैट इज एम, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल इसके एफ एम पी के, किसके बेटा, एफ एम पी के, कोई दिक्कत क्यों। ये देखो ये परपेंडिकुलर, देखो ये भी परपेंडिकुलर, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो एंगल को इक्वल कर दो, ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स का प्रोपोर्शन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो दैट इज ए बी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी एफ अपॉन क्या चीज, एफ पी, बी एफ अपॉन एफ पी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब तुम देखो यहां से, ठीक है, बी एफ अपॉन क्या हो गया, एफ पी हो गया। अब इसको हम लोग क्या, अब देखो यहां पर ध्यान से कि ये जो ये पैरेलल लाइन है ना, तो जाहिर सी बात है बी एफ अपॉन क्या चीज बेटा, एफ पी, शिट गड़बड़ हो गया,
दिस इज व्हाट ए बी अपॉन पी एम इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ पी, नहीं सही था सॉरी, बी एफ अपॉन व्हाट एफ पी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पास आप जो आपका यहाँ पास जो एफ पी है, ए बी जो है ये आपकी पैरेलल लाइन है, ए बी और एन पी आपस में क्या है इक्वल, सही है साइज इक्वल। चलो छोड़ देते हैं इसको, फर्स्ट मान लो। नाउ अगेन देखो, ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और ये वाला ट्राइंगल देखो सिमिलर है, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये देखो 90 डिग्री, सही है ना। तो दीज ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो नाउ ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल आपका एन बी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, साइड से प्रोपोर्शन आपस में इक्वल होता है सिमिलर ट्राइंगल का। तो दिस इज एन पी अपॉन ए डैश बी डैश, एन पी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या चीज, पी एफ अपॉन बी डैश एफ, पी एफ अपॉन बी डैश एफ। अब ध्यान से देखो अगर तुम, तो यहां पास ये देखो, यहां पास जो एन पी है ये पूरी पैरेलल लाइन है, तो जाहिर सी बात है एन पी का यहां पास साइज और ए बी का साइज आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो सिंस आप एन पी इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हो, तो देयर फोर यहां पास ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश है, इसको क्या मान लो सेकेंड मान लो, ठीक है ना। अब यहां पास तुम ये भी ध्यान से देखो, यहां पर ए बी अपॉन, अब ये जो पी एम था पी एम ये पैरेलल लाइन है, तो यहां से पी एम और ये ए डैश बी डैश भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो जहां पी एम है उसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। तो देखो यहां पास ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मिल गया, यहां पास भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मिल गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आपका जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। देखो बी एफ क्या है यहाँ पर, बी एफ कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सही है ना, देखो अगर हम लोग पूरे यू में से अगर एफ माइनस कर दे तो बी एफ निकल आएगा। ये देखो बी एफ अगर निकालना पूरे यू में से, देखो एफ माइनस कर दो बी एफ की लेंथ निकल आएगी, तो यू माइनस एफ, ठीक। एफ पी क्या है, एफ पी क्या है बेटा फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ठीक है, एफ पी वही है। बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ देखो बी डैश एफ की बात करेंगे तो वी में से अगर एफ माइनस कर दें तो बी डैश एफ निकल आएगा, वैल्यू पुट कर दिया जाए बी एफ की जगह क्या यू माइनस एफ, एफ पी की जगह क्या स्मॉल एफ, ये f अपॉन क्या थी v माइनस f, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये u माइनस f मल्टीप्लाइड बाय v माइनस f इक्वल टू f स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ये देखो u का v से मल्टीप्लाई uv, u का f से मल्टीप्लाई माइनस uf, f का v से मल्टीप्लाई माइनस vf और इसका ये f स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर, सही है, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो जो माइनस वाला है उधर ले जाओ प्लस में चल जाएगा, यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ, ठीक है। पूरे इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दो क्योंकि यू वी एफ ही तो है पूरे टर्म में, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ, दिस इज यू वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन यू वी एफ, वी एफ अपॉन UVF, UV से UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल, VF से VF कैंसिल, क्या बचा 1 upon F, 1 upon V plus 1 upon U, this is the mirror formula, ये रहा, ठीक है। तो this is the derivation of mirror formula, ठीक है। एक बार अगर आप अच्छे समझे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये mirror formula आपका derivation, इसका क्लास 12th में 10 के सिलेबस में नहीं है, मैंने आप लोग को इसलिए समझा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या चीज लीनियर मैग्निफिकेशन।
लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितने रेशियो में बढ़ रही है, घट रही है या बराबर है। ठीक, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट साइज ऑफ इमेज i, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट o, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द माइनस v बाई u। सो therefore यू कैन राइट इट m इज इक्वल टू i अपॉन o इज इक्वल टू माइनस v बाई u। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दैट इज m इज इक्वल टू i अपॉन o इज इक्वल टू माइनस v बाई u। दिस इज व्हाट लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।